सब्सक्राइब करिए बी हेल्दी एंड लिव हेल्दी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम 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 फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर एक नई और फ्रेश वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने वीडियो इतना लेट अपलोड किया, क्योंकि फ्रेंड्स मैं असल में किसी काम में बिजी हूँ और थोड़े दिन और रहूँगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोज आपके लिए अपलोड कर सकूँ। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, मधुमेह जिसे अंग्रेजी में शुगर या डायबिटीज़ भी कहा जाता है, एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी होती है। दोस्तों, हमारे देश भारत में शुगर रोगियों की संख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि देखने में आ रही है। इस रोग का कारण प्रमुख रूप से इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ी को माना जाता है। तनाव और अनियंत्रित जीवन शैली से इस रोग को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, मधुमेह को नियंत्रित करना आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। दोस्तों, आज बी हेल्दी एंड लिव हेल्दी की तरफ से हम आपको डायबिटीज़ के अनेक नुस्खों के बारे में बताएंगे, जिसका प्रयोग करना बेहद ही आसान है और इन नुस्खों का लगातार कुछ महीनों तक सेवन करते रहने से ये आपकी डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने में आपकी मदद कर देगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज़ के कारण, डायबिटीज़ के अहम लक्षण और इस बीमारी में मरीज को क्या खाना चाहिए और उसका दिनचर्या कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, अब बिना किसी समय गवाए आइए बात कर लेते हैं आज के ज़रूरी विषय के बारे में। तो सबसे पहले तो मधुमेह रोगियों को अपने दिनचर्या में दो काम करना आवश्यक है, एक तो है योग और दूसरा है सुबह की सैर। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज के कारण, कि वो कौन से अहम कारण हैं जो डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है व्यायाम का अभाव यानी लैक ऑफ एक्सरसाइज, दूसरा है मानसिक तनाव, तीसरा है जरूरत से ज्यादा नींद लेना, चौथा है बढ़ता मोटापा, पांचवा है चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन, और छठा है वंशानुगत कारणों यानी कि अगर आपके पूर्वजों में किसी को डायबिटीज़ है तो हो सकता है कि आगे चलकर आप भी डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं मधुमेह के कुछ प्रमुख लक्षण जो ये दर्शाते हैं कि कहीं आप भी डायबिटीज़ का शिकार तो नहीं हो गए। दोस्तों, सबसे पहला, बार बार रात के समय पेशाब आते रहना, दूसरा आँखों से धुंधला दिखना, तीसरा थकान और कमजोरी महसूस करना, चौथा पैरों का सुन्न होना, पांचवा प्यास अधिक लगना, छठा घाव भरने में समय लगना, सातवा हमेशा भूख महसूस करना, आठवा वजन कम होना और नौवा त्वचा में संक्रमण होना। दोस्तों, अब जानते हैं वो सरल घरेलू नुस्खे जो डायबिटीज़ को ख़त्म करने में आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको अलग अलग नुस्खे बताएंगे, आप अपनी सहूलत के हिसाब से जो नुस्खा आपको सबसे आसान और प्रबल लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है बेल के जड़ों को कूटकर उसका चूर्ण बना लीजिए और छान कर रख दीजिए। एक चूर्ण लेकर उसमें आधा चम्मच बेल के पत्तों का रस मिलाकर सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट खाना। दोस्तों, इसको 2-3 हफ्ते तक लगातार सेवन करने से ये आपकी डायबिटीज़ को बहुत ही नियंत्रण करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, दूसरा नुस्खा है अमलताश के थोड़े से गूदे को लेकर गर्म करें और उसकी मटर के दाने इतनी गोलियां बना लें। 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को खाली पेट लेने से आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगी। दोस्तों, तीसरा है 3 ग्राम बाबुल के शुद्ध गोंद का चूर्ण दूध के साथ खाने से भी आपको शुगर लेवल में बहुत ही अंतर देखने को मिलता है। दोस्तों, उसके बाद एक महत्वपूर्ण नुस्खा है, मैं आपको बताता चलता हूँ। उसके लिए आप सामग्री नोट कर लें, मेथी का दाना 100 ग्राम, तेज़पत्ता 100 ग्राम, जामुन की गुठली 150 ग्राम और बेलपत्र के पत्ते 250 ग्राम। दोस्तों, इन सभी को आप अच्छे से धूप में सुखाकर इसको पत्थर से पीसकर इसका पाउडर बना लें। इन सभी का पाउडर बनाकर आप एक दूसरे में मिला लें, बस आपकी दवा तैयार। इसे सुबह और शाम खाली पेट 1-1.5 चम्मच खाना खाने से 1 घंटा पहले गर्म पानी के साथ ले लीजिए। दोस्तों, 2-3 महीना इसका लगातार आपको सेवन करना है और 2-3 महीने बाद आप ये देखेंगे कि आपकी डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो गई है। दोस्तों, एक और अहम नुस्खा आपको बता दूं, कलौंजी और मेथी दाना बराबर मात्रा में थोड़ा दरदरा दलिए की तरह पिसवा लीजिए। दोनों को मिलाकर एक कांच की बरनी में सुरक्षित संभाल कर रख लीजिए।
रात को एक गिलास पानी में एक चम्मच ये चूर्ण डाल लीजिए। सुबह होते ही इसको पानी से अलग करके चबा चबा कर खा लीजिए और यही पानी को आप पी लीजिए। किसी भी लेवल पर आपका शुगर हो, यह प्रयोग बहुत ही कारगर है और मात्र 2-3 महीने में आपकी मधुमेह को यह नियंत्रित करने में सक्षम है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं मधुमेह के रोगियों को कौन कौन से फल अपनी डाइट में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला है काली जामुन। दोस्तों, मधुमेह रोगियों के लिए यह फल बहुत ही लाभकारी है। इसके बीजों को पीसकर भी खाने से आपकी मधुमेह कंट्रोल में रहती है। दोस्तों, दूसरा है चेरी। इसमें GI मूल्य 20 होता है, जो बहुत ही कम माना जाता है शुगर रोगियों के लिए। यह मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही स्वस्थ वर्धक मानी जाती है। दोस्तों, तीसरा है अमरूद। अमरूद में विटामिन ए और विटामिन सी के अलावा फाइबर भी होता है। ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही कारगर होता है। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं मधुमेह रोगियों के लिए कौन सी योगा लाभदायक है। दोस्तों, हर रोज़ 15 मिनट कम से कम योगा करना ज़रूरी है। इसमें भी विशेष 5 मिनट मंडूकासन ज़रूर करें और कपालभाति अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम भी ज़रूर करें। दोस्तों, मंडूकासन योग से पैनक्रियास इंसुलिन का स्त्राव करना शुरू कर देता है, जिससे शरीर में फैली ग्लूकोज शरीर से सेल्स ग्रहण कर लेती है और शरीर में शुगर का लेवल कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों, मधुमेह के रोगियों के लिए सुबह की सैर भी ज़रूरी है। सुबह उठकर पार्क वगैरह पर घूमने जाना चाहिए। जितनी गति से आसानी से दौड़ लगा सकते हैं उतनी दौड़ लगाना ज़रूरी है। थोड़ी देर कंकर पत्थर वाली जगह पर नंगे पांव ज़रूर चलें, इससे एक्यूप्रेशर होगा, जो मधुमेह रोगियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। दोस्तों, ये थे कुछ आसान और प्रबल घरेलू नुस्खे जिनकी मदद से आप डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं और इनका लगातार कुछ महीनों तक सेवन करते रहने से आपकी डायबिटीज़ को ये जड़ से ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। हमें उम्मीद है कि हमारी तरफ से दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।